Good morning and God bless each and every one of you who are listening to this morning meditation. We all have a good night rest and we are now up and fresh in body, mind and spirit. और हम सब ने एक अच्छी रात्रि का जो आराम था विश्राम था वो हमने पाया और आज की सुबह हम उठे और अब हम तरोताजा हैं वी आर रेडी टू फेस दिस चैलेंजेस एंड ग्लोरीफाई गॉड और हम तैयार हैं कि आज के दिन की चुनौतियाँ और मुश्किलों का सामना करके हम परमेश्वर की महिमा को कर फर्स्ट सीख द किंगडम ऑफ गॉड लेकिन परमेश्वर के राज्य की पहले आप खोज करें सो इट इज गुड

And uh, the title will be Counsels for You. Uh, we all need counseling. Guidance. And the Holy Spirit has provided these facilities through the Word of God and through His servants. So पवित्र आत्मा ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने दासों के द्वारा इस बात को हमारे लिए मुहैया कराया है और इसलिए हम आशीषित so और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे भजन संहिता 37 कुकर्मियों के कारण मत कुड़ कुटिल काम करने वालों के विषय में ढह न कर क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरे न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा यहोवा के सामने चुप रह चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर उस मनुष्य के कारण नाकुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है क्रोध से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे मत कुड़ उससे बुराई ही निकलेगी क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बात जो हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे God, और, और होने दे परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने पर हो और आपके हृदयों को परमेश्वर आशीषित करे इन दिब्रू टेक्स्ट ऑफ द बाइबल सेवन वर्ड्स इन दिस पैसेज आर प्रिंटेड इन हेवी लेटर्स और इब्रानियों का जब हम अनुवाद इस वचन इन सारे वचनों का देखते हैं तो सात ऐसे शब्द हैं इन वचनों में इस भाग में इस वचन के जिनको बड़े अक्षरों में लिखा गया है दी सेवन वर्ड्स स्टैंड आउट ए स्टेपिंग स्टोन इन टू मोस्ट ब्लेसड लाइफ ऑफ फेथ एंड फुलनेस और ये वो सात शब्द ऐसे हैं जो कि उस पत्थर के समान है जिन पर चढ़कर हम अपने जीवन में सफलता और आशीषों को पा सकते हैं और, पर और जीवन की वीक so, और आइए इन शब्दों के ऊपर जो ये सात शब्द हैं इनके ऊपर हम मनन करेंगे और इस हफ्ते में आशीषित होंगे नंबर वन पहला शब्द द फर्स्ट वर्ड इज फ्रेट नॉट और जो पहला शब्द है वो है कुड़ो या कुड़ वर्स वन पहला वचन फ्रेट कुड़ कुड़मत एंड डू नॉट बी एंशियस अबाउट वॉट ई डस और जो बातें बुराई करती है या बुरे लोग करते हैं उन बातों को लेकर आप घबराए ना दैट इज द आइडिया ऑफ मीनिंग बिहाइंड दिस वर्ल्ड और इस शब्द के पीछे का अर्थ यही है यू और आप तो देख सकते हैं कि समृद्ध होते जा रहे हैं The evil doers. और जो बुराई करते हैं you know, Psalm 73, uh, verse 3 says, और भजन 73 उसका तीसरा वचन कहता है बी कंटेंट with what यू हैव जो भी तुम्हारे पास है उसमें सद्भावना रखो बिकॉज ऑल थिंग्स विल वर्क टूगेदर फॉर योर गुड क्योंकि सारी बातें तुम्हारे भलाई के लिए कार्य करेंगी सॉरी मैम बताए और इस बात को याद रखें। ट्रस्ट वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। एंड सेकेंडली और दूसरा शब्द सेकेंड वर्ड इज ट्रस्ट और जो दूसरा शब्द है वो है भरोसा इन वर्स थ्री तीसरे वचन में Once you are content with what you have, और जब आप एक बार खुद में संतुष्ट हो जाते हैं उन बातों से जो आपके पास है, गुड तब आप साधारण रूप से भलाई करते रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें फेथ इज एन एक्टिव ग्रेस और याद रखिए विश्वास वो जीवित या कार्यत अनुग्रह है In Hebrew 6, 12, और इब्रानियों की पुस्तक छठा अध्याय बारवा वचन लुक इन टू दिस क्या हम इस वचन की ओर देखें हिस्स ट्वेल्व और इब्रानियों की पुस्तक उसका छठा अध्याय और सातवां वचन सिक्स ट्वेल्व से वी डू नॉट वॉन्ट यू टू बिकम लेजी But imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। साधारण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखें और आप भलाई करें और अपना सबसे उत्तम करें यू पुट योर फेथ इन टू एक्शन और इसी कार्य इसी प्रकार जीने के द्वारा आप अपने विश्वास को कार्य में लाते थर्ड वर्ड इज तीसरा शब्द है डाइट आनंद चौथा वचन डी यूर सेल्फ इन द और अपने आप को आनंदित मना यहोवा होवा में अवर ट्रस्ट इन गॉड मस्ट लीड अस टू delight और in Him. हमारा भरोसा जो परमेश्वर पर है वो हमें उसके प्रति हमारे मनों में एक उस प्रसन्नता को एक उत्साह को लेकर आना delight चाहिए इन द लॉ और इसलिए हम परमेश्वर में आनंदित तो और खुश हो जाएं। वी uh, cannot delight ourselves आवर the इन द we believe that वी बिलीव the इज द परफेक्ट गुड To our souls. और हम परमेश्वर में तब तक खुशी या आनंदित नहीं हो सकते जब तक हम इस बात को ना समझे और जाने की परमेश्वर ही हमारी सारी बातों का स्रोत है नंबर फोर चौथा शब्द वर्ड इज कमिट और जो चौथा शब्द है वो है समर्पण वे दर इज परफेक्ट ट्रस्ट

Free of all anxious thoughts. और ऐसा जीवन जो पूर्ण रूप से समर्पित है उस जीवन में किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं आएगी फर्स्ट चैप्टर फाइव वर्ष और पहला पत्र पांचवा अध्याय आठवा वचन से और क्या लिखा है वहां पर पहला पत्र पांचवा अध्याय दसवा वचन में इस प्रकार लिखा है एंड गॉड ऑफ ऑल ग्रेस हु कॉल यू टू हिस इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड लिटिल वाइल्ड

it says here, um, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about what your body, what you will wear. Is, is not life more important than food? And the body more important than clothes? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर की के लिए कि क्या चिंता पहनोगे क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं दीस आर दर्ड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ और ये वो शब्द है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द एंड ही समथिंग और जब वो कुछ बोलता है इट इज सीरियसली टू बी कंसिडर वैसे हमें बड़ी गंभीरता से सोचना और विचारना है ट्रूथ क्योंकि वो तो सत्य बताता है And fifthly, और पांचवा शब्द दर्ड रेस्ट और वो शब्द है विश्राम इन वर्स सेवन सातवें वचन में नाउ दिस रेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ होल हार्टेड कमिटेड और ये विश्राम या ये प्रतीक्षा परमेश्वर पर तब होगा जिस एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका हृदय पूर्ण रूप से समर्पित और परमेश्वर पर भरोसा कर वर्ड रेस्ट जो शब्द विश्राम है वॉन्ट यू कमिट समथिंग टू द लोड और जब आप किसी भी बात को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं पॉलिस प्रेरित कहता है आई कि मुझे भरोसा है वेटेड लोड कि जो कुछ मैंने परमेश्वर को समर्पित किया है He is able to keep it

वचन बात करता है शरीर के कामों के बारे में yeah, शरीर के बारे में एंड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज बिलो दैट ट्वेंटी टू वर्स 22. और जो आत्मा के फल है वो बाईसवें वचन से हम पढ़ते हैं बट नाइनटीन एंड ट्वेंटी टॉक्स अबाउट दर्क ऑफ द फ्लैश लेकिन उन्नीसवें वचन में और बीसवें वचन में हम शरीर के कामों के बारे में पढ़ते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोध हर हर प्रकार का मत वाला पन हर प्रकार की बुराई मौजूद है अपोसल पॉल्स इंस्ट्रक्शन इज यू सीज फ्रॉम ऑल दीज थिंग अपोलोस ये निर्देश देता है कि इन सारी बातों को करने से रुक जाओ लुक एट प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28 और नीति वचन उसका 25 हम देखें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट से और पच्चीस उसके अट्ठाईस में लिखा है like जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पिना घेराव करके तोड़ दी गई हो वन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज सेल्फ कंट्रोल और इसलिए याद रखिए एक आत्मा का फल है आत्म धीरज रखना या आत्म संयम बनाए रखना पर्सन हु गोस आउट ऑफ कंट्रोल और ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रण के बाहर चला जाता है लाइक अ सिटी विदाउट अ वॉल तब तो एक ऐसे नगर के समान है जिसके पास कोई दीवार ही नहीं एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरी वन कैन कम इन गो आउट और इसलिए कुछ भी और कोई भी अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता That's है। so और उसके द्वारा भौचक्का और हर प्रकार की परेशानी और मुश्किल को लेके आ so सकता Apostle है। Paul says, और इसलिए पॉल इस प्रेरित कहता है kind of कि तुम ऐसी बातों को करने से रुक जाओ। और द सेवंथ वर्ड इज और जो सातवां वचन है वेट रुको वन्स यू सीज फ्रॉम योर फॉर्मर वेयर्स द लाइफ ऑफ रॉथ एंड्स उट ऑफ कंट्रोल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स और जब आप अपने पुराने जीवन और इस न्याय के जीवन से रुक जाते हैं वर्स नाइन से नवे वचन में लिखा है रुको वाट इज व्हाट इज इज होल वर्स और नवे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे फॉर ईव मैन विल बी कट ऑफ बट होप इन द लॉर्ड विल इनहरिट द लैंड हु इनहरिट द लैंड और कौन परमेश्वर के राज्य को पाएंगे

जो परमेश्वर पर का इंतजार करे, करेंगे प्रतीक्षा करेंगे वेट फॉर गॉड टू एक्ट ऑन हिज बिहार तो जो इंतजार या प्रतीक्षा करेंगे कि परमेश्वर अपने चलन को करे अल्टीमेटली विक्ट्री विल बी हिज और अंत में विजय उन्हीं की होगी

शक्ति से शक्ति की ओर बढ़ेंगे सो हे आर और इसलिए यहाँ पर हम है वेरी गुड काउंसिल और एक बहुत अच्छी परामर्श यहाँ पर है एंड डू नॉट फ्रेट बिकॉज ऑफ evil डूअर्स और इसलिए कुड़कुड़ाए ना बुरे लोगों की वजह से एंड बट ट्रस्ट यूर गॉड लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। एंड Uh, with what you have, be content with that. जो कुछ आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हो एंड गॉड विल नेवर सफर परमेश्वर कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देगा एंड यू ट्रस्ट गॉड और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं एंड वेन यू वेन यू कैन डिलइट यूर सेल्फ इन द लो जब आप परमेश्वर में खुद को आनंदित रखते हैं यू विल कमिट यूर से लो तब आप खुद को परमेश्वर पे समर्पित कर देंगे एंड डॉ

That is the result of a wholehearted commitment. And the sixthly, then you can cease your evil ways and uh, control yourself. डो नॉट बी आंशियस और इसलिए छठा छट, बात ये है कि अपनी बुराई और जो पूरे बुराने काम थे भविष्य भूतकाल के उनको रोक दे रोक सकते रोक दे जब आप रोक देंगे तब तब आप इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें जैसे आप इन सातो परामर्श को अपने जीवन में अभ्यास May you करते. फाइंड फुलफिलमेंट फॉर योर लाइफ तब होने दे आप अपने जीवन की निष्कर्षता और परिपूर्णता को इनमें पाए सी हाउ गॉड हिमसेल्फ विल एक्ट ऑन योर बिहाफ और देखें कैसे परमेश्वर आपके लिए और आपके के सामने कार्य द होली स्पिरिट। पिता, हमें उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता तो के सामर्थ्य के द्वारा ही है कि हम इन अच्छे गुणों को अभ्यास में ला ब्लेस योर पीपल और लोगों को आशीषित नाम में ग्रेट डे माय फ्रेंड ये एक महान दिन है मेरे मित्रों वंडरफुल डे ये एक अद्भुत दिन आपका भी थे Amen. Amen. Amen.